is going to be our product review video. Hi everyone, welcome back to my channel. मैं हूँ रंजना और आप देख रहे हैं रंजनौरा. So guys, thumbnail से तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज की वीडियो है निका की आई शेडो पैलेट के बारे में. अगर आप मल्टीपल कलर के साथ प्ले करने में क्रेजी है तो इन आई शेडो को देख के आप अट्रैक्ट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो कलर्स है ना वो बहुत ज्यादा वाइब्रेंट एंड क्रेजी है. प्रोडक्ट गाइस, निका के जो पैलेट है ना, इनके आते हैं 6 वेरिएंट. पहले ये अवेलेबल था ओनली एचओके पे, अब ये आपको नायका पे भी मिल जाएगा. गाइस नो डाउट कि ये जो 6 वेरिएंट है ना, ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी कलर के हैं और बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है, आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे. एक्चुअली ये बहुत ज्यादा सिमिलर है ना हुडा के जो मिनी वर्जन आते हैं उनसे. सो गाइस, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आपको इनको बाय करना चाहिए या नहीं, ये अपने प्राइस को वर्थ करते हैं कि नहीं, और फर्स्ट इंप्रेशन, डेमो एंड मैनी मोर थिंग. बट वीडियो में बढ़ते हैं आगे, उससे पहले अगर आज आप मेरे चैनल पे न्यू है या आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज 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 टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब माई चैनल. एंड गाइज नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन में मिलते रहे. गाइज सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री है, प्लीज दिल खोल के सब्सक्राइब कीजिए. नाउ अब चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं. So guys, we will talk about the product, the quality, the price and everything. But सबसे पहले आप इसका डेमो देख लीजिए and इसके स्वेचेस भी देख लीजिए, then हम बात करते हैं आगे. So guys, here is a Nika के palette. इसमें मैंने जो variant pick किया है guys, वो है sugar plum. Guys, इसमें ये हमें देते हैं 9 bricks, जिसमें से 5 है बहुत ही अट्रैक्टिव शिमरी शेड और बाकी सारे मैट शेड हैं. गाइस ये वाला जो पैलेट है ना, वो हुडा के एक पैलेट से बहुत हूबहू मिलता है, इसलिए मैंने ये वाला परचेज किया है. ओके, सो नाउ स्टार्ट विद द स्वेचेस. गाइस फर्स्ट आई एम शोइंग द स्वेचेस ऑफ मैट शेड. सो हियर आई एम टेकिंग द मैट शेड. द पिगमेंटेशन इज काइंड ऑफ ओके टाइप, बट इनकी ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम होती है गाइस. अनदर, नाउ लुक गाइस कितना ज्यादा चौकी है. लुक, आप फिंगर पे देख सकते हो प्रोडक्ट. एंड गाइस एक और चीज मुझे जो अच्छी नहीं लगी, ये कलर और ये कलर, ये दोनों शिमरी कलर गाइस सेम है. लुक, बहुत जरा सा डिफरेंस है, वो भी आईज पे पता बिल्कुल नहीं चलता है. सो इसके भी मैं स्वेचेस दिखा देती हूँ. लुक, आई होप कि गाइस आपको आइडिया लग गया होगा कि ये प्रोडक्ट किस तरह का है. चलिए अब एंजॉय करते हैं इसका डेमो. डेमो के लिए मैंने ये पिंक वाला शेड जो है गाइस वो पिक किया है और इसको मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश से गाइस अप्लाई करना शुरू करती हूँ. तो मैं थोड़ा सा क्लोज आके आपको दिखा रही हूँ. ये अभी इसका जो ब्लेंडिंग है गाइस, उसको करने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी. मीन्स आपको ना बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, प्लस इसका जो कलर का पिगमेंटेशन है वो तो सही है, बट आई डोंट नो कि इनके फॉर्मूले में क्या ऐसी मिस्टेक हुई है कि इनका जो ब्लेंडिंग है ना वो प्रॉपर नहीं होता है. ऐसा लगता है जैसे एक जगह पे प्रोडक्ट रुक गया, देन वो अदर कहते हैं मतलब ग्लाइड नहीं होता है, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है. नेक्स्ट गाइस मैंने एक शिमरी शेड लिया है और अपने लिड वाले एरिया पे अप्लाई किया है. सो ये मैंने कहते हैं इससे एक बहुत नॉर्मल सा आपको दिखाने के लिए एक लुक क्रिएट किया है, जिसे कंप्लीट करना ना गाइस बहुत ही ज्यादा टफ टास्क था, बहुत ही मुश्किल से ये लुक क्रिएट हुआ है. आई होप कि आपने डेमो एंजॉय किया होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी. सबसे पहले गाइस 599 रुपीस में ये प्रोडक्ट आता है, जो कि बिल्कुल भी अपने पैसे को वर्थ नहीं करता है, क्योंकि इसके जो मैट वाले शेड है वो बहुत ज्यादा फॉल आउट करते हैं, बहुत ही चौकी है. एंड जो इनके शिमरी वाले शेड है गाइस, उनको बेल करना बहुत ज्यादा हार्ड है. अगर आप इससे कोई भी आईशैडो मतलब क्रिएट करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है. तो अगर आप इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं देन यू कैन गो. नंबर टू गाइस, जो इनका एक मोका वाला आता है वेरिएंट और दूसरा कहते हैं जो प्लम वाला, जिसका मैंने डेमो आपको दिखाया, सिर्फ ये दो वेरिएंट ही ऐसे हैं जो थोड़े से फ्रूटफुल हैं अगर आप 300 रुपीज़ में बाय करते हैं तो. बट गाइस मिस क्लेयर के 400 के अंदर ही बहुत अच्छे पैलेट आते हैं, तो
आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि उसमें आप बहुत अच्छे अच्छे आई शेडो क्रिएट कर सकते हैं। एंड अगर आप इसको 300 रुपीज़ में भी बाय करते हैं एंड वन टाइम आप किसी तरह से हार्डली अप्लाई करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम इसको मतलब बॉदर करेंगे आप कि आप इसको रीअप्लाई करें, क्योंकि आपका मन ही नहीं करेगा। तो आपने ऐसे देखा जाए तो आपने 300 रुपीज़ ही वेस्ट कर दिए। सो ये था मेरा नॉन स्पॉन्सर्ड इस प्रोडक्ट के साथ में जेन्युइन रिव्यू, माय एक्सपीरियंस। गाइस मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ ताकि मेरे पैसे वेस्ट गए, आपके पैसे वेस्ट ना जाए। आई होप कि ये मेरा जेन्युइन रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगे, आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।